हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, देखिए आपके लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है और आपके लिए आईटीआई वालों के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है। तो देखिए, हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसके नोटिफिकेशन के बारे में, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से विज्ञापन संख्या है U48, जो ITI TG2 के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, किसके लिए है? ITI TG2 के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कितनी वैकेंसी आई है इस चीज़ को देख लेते हैं। वैकेंसी है आपकी इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकेंड, ठीक है, पद का नाम है, और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट से जो लोग ITI हैं उन लोगों के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, तो देखिए UR की सीटें कितनी हैं अनारक्षित वर्ग की? मैकेनिकल ट्रेड से 30 हैं और इलेक्ट्रिकल ट्रेड से 56 हैं और इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है। ओके, OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हैं उनकी 16 वैकेंसी हैं और जो मैकेनिकल से हैं उनकी ओनली एक वैकेंसी है और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए 5 वैकेंसी हैं टोटल। SC एंड ST वालों के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। SC की मैकेनिकल की सीटें हैं 14 और ST वालों की मैकेनिकल की सीटें हैं 7। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल से हैं ITI उनके लिए, इलेक्ट्रिकल से जो लोग ITI हैं उनके लिए टोटल सीटें हैं 24 SC में और ST में हैं 3। ओके, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट से जो लोग ITI हैं उनके लिए SC में 5 वैकेंसी हैं और ST में 1 वैकेंसी है ओनली। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स, ये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं यानी कि EWS वालों के लिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप 5 और 11 और 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 11 वैकेंसी है। ठीक है, मैकेनिकल की 5 हैं और इंस्ट्रूमेंट्स की 1 है। ओके, इसी तरह से जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए मैकेनिकल की 2 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल की 6 वैकेंसी हैं और इंस्ट्रूमेंट्स वालों के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। उसके बाद जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो लोग हैं, जो आरक्षण प्राप्त लोग हैं, उनके लिए मैकेनिकल की 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल की ओनली 2 वैकेंसी और इंस्ट्रूमेंट्स की कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, देखिए ये तो हमारी वैकेंसी का डिस्कस हुआ, उसमें देख लेते हैं मैन हमारा क्या है। हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। मेरे चैनल पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कोर्स अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं वेतन क्या होगा। ये फ्रेंड्स, वेतन होगा 28,000 रुपये पर मंथली। ठीक है, इसके बाद देखिए शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता आपकी मैकेनिकल वालों के लिए हाई स्कूल पास, किससे? मैथ और साइंस से। ठीक है, मैथ और साइंस से हाई स्कूल आप पास होना चाहिए। उसके बाद CCC का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो चाहे आपका डुएक बोर्ड से हो या फिर NIELIT। प्रेजेंट टाइम में इस बोर्ड का नाम NIELIT रख दिया है। ठीक है, तो ये 80 घंटे का कोर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 80 घंटे का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल के जो लोग हैं उनके लिए वही सेम कंडीशन, हाई स्कूल मैथ एंड साइंस से होना चाहिए, उसके बाद ITI पास होना चाहिए और वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए और वो चाहे अखिल भारतीय बोर्ड से हो या फिर राज्य व्यावसायिक बोर्ड से हो। ठीक है, और CCC का डिप्लोमा भी होना चाहिए। सेम मैकेनिकल वालों के लिए भी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ITI होना अनिवार्य है, वो चाहे अखिल भारतीय बोर्ड से हो या फिर राज्य व्यावसायिक बोर्ड से हो। ठीक है, CCC का 80 घंटे का कोर्स होना ही चाहिए। ठीक है, ये अनिवार्य कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स वालों के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए।
तो इंस्ट्रूमेंट से जो लोग आईटीआई उत्तीर्ण हैं उनके लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल मैथ एंड साइंस से होना चाहिए। उसके बाद आईटीआई या तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से हों या फिर इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड से हों, ठीक है। दोनों ही ट्रेड वाले इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के लिए एलिजिबल हैं। और आईटीआई जो है वो अखिल भारतीय बोर्ड से हो या फिर राज्य व्यावसायिक बोर्ड से हो, दोनों ही मान्य होंगे। उसके बाद ट्रिपल सी इसमें भी होना चाहिए, डुएक बोर्ड से 80 घंटे का कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं आयु के बारे में, एज का कितना लिमिट रखा है। तो 1/7/2012 को वो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेयर फ्रेंड्स, फीस के बारे में आपको बता देते हैं फीस क्या है। तो फीस आपकी जो है वो जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं यानी कि एससी एंड एसटी वालों के लिए 826 रुपये फीस रखी गई है, और ओबीसी वालों के लिए यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 1180 रुपये फीस है। ओके, फीस पेमेंट आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड के द्वारा दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंट इसमें और नोटिफिकेशन में क्या होना चाहिए। पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। पेपर पैटर्न कैसा होगा डियर फ्रेंड्स, जो टेक्नीशियन ग्रेड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट्स तीनों के लिए ही पेपर पैटर्न क्या होगा। आपके टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही मार्क्स होंगे, और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होगी। ओके, उसमें फर्स्ट पार्ट में आपके 150 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद 150 मार्क्स ही होंगे जो किससे रिलेटेड होंगे, आईटीआई के सिलेबस से होंगे। अगर आप मैकेनिकल ट्रेड से हैं तो आपके 150 क्वेश्चन मैकेनिकल से आने वाले हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हैं तो आपके 150 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आने वाले हैं, सेम इंस्ट्रूमेंट से भी 150 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। तो तीनों ही ट्रेड के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। जिस ट्रेड से आप रिलेटेड हैं उस ट्रेड की ही आप तैयारी करेंगे ओनली, ठीक है। उसके बाद पार्ट सेकंड जो होगा पेपर का, उसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स भी होंगे। उसमें आपके टॉपिक क्या क्या रहेंगे, आपकी जनरल हिंदी होगी, जनरल नॉलेज होगी और रीजनिंग होगी। ओके, ये तीन आपको नॉन टेक्निकल पार्ट तैयार करने हैं, हिंदी, जीके एंड रीजनिंग। ओके, तो आपकी ये 50 मार्क्स नॉन टेक पार्ट से होंगे और 150 मार्क्स आपके टेक्निकल पार्ट से होंगे। उसके बाद देखिए डियर फ्रेंड्स, परीक्षा के स्थान जो आपको मिलेंगे वो चॉइस में कहाँ कहाँ होंगे। आगरा होगा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली इत्यादि नगर आपको एग्जाम सेंटर के लिए चॉइस में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डियर फ्रेंड्स, आपका फॉर्म कब से ओपनिंग हो रहा है, 12/7/2022 से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और कब तक कर सकते हैं, 5/8/2022 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी बता दें। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी इसमें आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बतानी थी कि जो एग्ज़ाम
सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको और कोई नॉलेज लेनी है, कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज अगर कोई बच रही है फॉर्म फिलअप करते समय आपको लग रहा है, तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा नोटिफिकेशन केयरफुली पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। और इस फॉर्म को फिलअप करना बिल्कुल ना भूलिए, ITI वाले लोगों जो इलेक्ट्रिकल से हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट से हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से हैं या फिर मैकेनिकल ट्रेड से हैं, ये चार ट्रेड वाले इस इलेक्ट्रीशियन TG2 जो भर्ती आई है उसके लिए एलिजिबल है, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इस शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी एलिजिबल हो तो वो इस फॉर्म के लिए फिलअप करना ना भूले। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।